निकल कर आया है लोगों के बीच से। जोहार, मनगढ़ा प्रखंड के पूर्व में गेतलसुत पंचायत के ही, लेकिन अपने संघर्ष से गेतलसुत पंचायत से आंदोलन करके विसा पंचायत अलग बना दिए और वहाँ के हम वर्तमान में प्रधान हैं और पूरे रांची जिला के ग्राम प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष है। मेरा नाम उमेश कुमार बड़ाई है। आज पूरे क्षेत्र में, रांची जिला की बात करता हूँ, पूरा झारखंड का विस्थापित यहाँ के जो गरीब हैं, जो खतियानी हैं, मूलवासी हैं, आज फैक्ट्री के नाम से और डैम के नाम से तरह तरह के उद्योग धंधा लगाएंगे, रोजगार देंगे कह के जमीन अधिग्रहण किया गया, लेकिन यहाँ के जो मूल निवासी हैं आज विवश हैं मजदूरी करने के लिए और भरपेट भोजन के लिए। चूंकि आज देखिए पूरे झारखंड का टॉप जगह है गेतलसुत, आप सुने होंगे हंड्रू फॉल, यहाँ से टाटा तक सप्लाई होता है, यहाँ से बिजली रांची जगमगाता है और यहाँ स्थिति क्या है, पानी शुद्ध नहीं मिल पाता है। यहाँ आज मेगा फूड जो करोड़ों रुपया का बना है, लेकिन सरकार लूट और खसोट किया है। अगर जमीन अगर रहता किसान के पास तो यहाँ उरीद मड़ुआ शकरकंद अपना खेती करके भी फल सब्जी लगा के भी कुछ अपना आय का स्रोत करते, लेकिन आज दुर्भाग्य है आज राज्य सरकार का कि इस तरह का है। तो हम आंदोलन काफी तेजी से कर रहे हैं। जो यहाँ का कितना विस्थापित लोग हैं जिसका जमीन गया है, लगभग कम से कम 32 गांव गया है, हजारों आदमी बेघर हो गए हैं। इस पर हम संज्ञान लेके अपने स्तर से पूरा कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत जल्दी पूरे क्षेत्र के जो 32 को गांव है, ये पूरा विधानसभा मोटा मोटी और मांझी और अनगढ़ा और कुछ पड़ते हैं, इसका हम बहुत जल्दी जैसे चुनाव खत्म होता है और एक सामूहिक बैठक करेंगे और जिसका जो डिस्प्लेस का पेपर है उसको भी बुलाएंगे और सरकार से इतना तेज आंदोलन करेंगे कि सरकार का दो चार मुद्दे जो रहेंगे और सरकार को मानना ही पड़ेगा और झुकना ही पड़ेगा। क्या कितना जमीन गया है आपका? हमारा हम लोग 2 लॉट में, 29 एकड़, 9 एकड़, लगभग 40 एकड़ का जमीन गया है। क्या बोलकर लिया था उस समय, 1962-60 का समय जब बना था? उस समय तो हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ था, दादू लोग थे, पिताजी लोग थे, उन लोगों का ही था कि जो डैम हम लोग यहाँ से डैम में जमीन ले रहे हैं, आप लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा, पानी का सुविधा मिलेगा, बिजली मिलेगा, और उस समय का लोग यहाँ विस्थापित हो रहा है, यहाँ से आपको भागना ही पड़ेगा, कुछ कुछ ऐसे मुद्दे वहाँ तो उस समय उतने पढ़े लिखे अभी तक कुछ मिला। 60-62 का समय जो है डैम बना था, 2024 ये पानी जो सप्लाई दिया है फिलहाल, हमको लगता है 1 साल से किसी को तो किसी का घर में पानी 1-2 बाल्टी आता है, बस इतना ही बार आता है, सामने है डैम, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक में कुछ नहीं। दूसरी बात रहा कि यहाँ बोला था कि बिजली हम लोग देंगे, यहाँ बिजली तो मत पूछिए, अगर 24 घंटा में 8 घंटा भी अगर बिजली रह जाता है बच्चा लोग को पढ़ने लिखने के लिए तो ही काफी है, नहीं तो वो भी नहीं। और दूसरी रहा कि यहाँ नालंदा स्कूल है, इधर स्कूल स्वास्थ्य सुविधा कुछ है? स्कूल है, अभी फिलहाल एगो अपग्रेड हुआ है स्कूल, हाई स्कूल में सरकारी स्कूल। टीचर उचर है उसमें? है टीचर दिया है, और यहाँ शिक्षा का भी इसलिए कमी है कि इस क्षेत्र में अगर एगो प्लस टू स्कूल हो जाता है, यहाँ गेतलसुत हुंडरूफॉल बिस्सा नवागढ़ फिर इधर नदी पार से भी कुछ क्या बोलते हैं आगर टोली, इधर से बहुत सारी जनसंख्या है, बच्चों का गुंडी पोखर जाते हैं या फिर रांची जाना पड़ता है तो बहुत दिक्कतें होते हैं, और खासकर लड़कियों को तो ज्यादा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखदेव महतो हुआ। कितना जमीन गया था आप लोग का? जब को मालूम नहीं है बाबू। अच्छा, हम लोग ना कैसे बता सकते हैं कि तो परिवार में एक बोले हैं। आप तो बहुत पुराना है, तो जब जमीन जा रहा तब क्या बोला था उस समय? हम लोग को मालूम न थे बाबा। अच्छा, जान बथी आवे है माने। बताइए क्या क्या जो है बोलकर जमीन लिया गया था जब डैम बन रहा था? तो विस्थापितों को नौकरी देंगे। तो क्या हुआ, नौकरी दिया अभी तक? अभी तक नहीं दिया है। कितना पैसा मिला था उस समय? उस समय बहुत कम। कितना कम? 6 एकड़ बोले थे ना। हाँ, उसमें करीबन 18,000 के लगभग मिला था। बोला था 3 बार, 1 बार नहीं, 3 किस्त में देंगे। क्या किस्त में दिया?
एक एक किस्त दे करके मटिया गया और कहां फिर पैसा नहीं मिला और मौजा सही देंगे। बहुत हम लोग लड़ते लड़ते थक गए। मुर्गिया